फाइनली दोस्तों, फाइनली Redmi Note 4 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने कुछ ओपिनियंस Redmi Note 4 के बारे में और क्या ये फ़ोन Redmi Note 3 से एक बेहतर अपग्रेड होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस और ये है मेरे कुछ ओपिनियंस Redmi Note 4 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। फटाफट से मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो Redmi Note 4 में आपको मिलता है Snapdragon 625 प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 14 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पे। जो GPU आपको मिलता है वो है Adreno का 506। पीछे का कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। जो बैक कैमरा है वो है CMOS सेंसर, जो कि PDAF ऑटो फोकस पे चलता है। जो बैटरी है वो है 4100mAh की, जो कि सैडली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। तीन वेरिएंट्स आपको मिलते हैं Redmi Note 4 के, 2GB 32GB वाला वेरिएंट, 3GB 32GB वाला वेरिएंट और 4GB 64GB वाला वेरिएंट। जो 2GB 32GB वाला है वो आपको मिलता है 9999 का, जो 3GB 32GB वाला है वो आपको मिलता है 10999 का और जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलता है 12999 रुपये का। तीनों ही वेरिएंट्स आपको मिलेंगे Flipkart पे 23 जनवरी से दोपहर 12 बजे से इसकी सेल जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब मेरे ब्लंट थॉट्स, क्या प्राइसिंग सही है? बहुत अच्छी है। देखिए, मेरे हिसाब से पिछले साल जब Redmi Note 3 लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइसिंग जो थी उससे कमाल कर दिया था Xiaomi ने और इसी की वजह से Redmi Note 3 बेस्ट सेलिंग मी फ़ोन बन चुका है अभी तक का। और Redmi Note 4 में भी उन्होंने कुछ वैसा ही करने की कोशिश की है। और यार, Snapdragon 625 आपको दे रहे हैं 10,000 के अंदर, अब इससे ज़्यादा क्या दें? तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो है वो बहुत अच्छी है और आपको 13,000 रुपये में 4GB और 64GB जो है वो मिल रहे हैं और MediaTek का प्रोसेसर नहीं मिल रहा है, Snapdragon 625 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो है वो बहुत ही अच्छी रखी है Xiaomi ने और इस साल भी मेरे को लगता है कि Xiaomi हमें इसी तरह से खुश करेगा। अब बात ये आती है कि इस फ़ोन को क्या आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आपके पास Redmi Note 3 है। तो मैं Redmi Note 3 यूज़ करता हूँ, क्या मैं Redmi Note 4 पे अपग्रेड करूँगा? नहीं, मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता कि मैं Redmi Note 3 से Redmi Note 4 पे अपग्रेड करूँ, क्योंकि एक तो जो प्रोसेसर है वो लोग कह रहे हैं कि डाउनग्रेड है, हालांकि है नहीं इतना, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। डे टू डे यूसेज में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रोसेसर की बात तो अगर आप हटा दें, उसके अलावा जो बेहतर चीज़ें हैं Redmi Note 4 में Redmi Note 3 के कंसिडरेशन में, तो वो है एक तो बैटरी लाइफ। अगर आप Redmi Note 3 की बैटरी लाइफ से परेशान हैं या आपको वो अच्छी नहीं लगती, तब Redmi Note 4 आपके लिए बहुत अच्छा अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो काफ़ी अच्छी चलेगी। एक तो Snapdragon 625 पावर एफिशिएंट चिप है और उसके साथ साथ 4100mAh की बैटरी, तो बैटरी लाइफ में Redmi Note 4 जो है वो बेहतर होगा Redmi Note 3 से। इसके अलावा जो कैमरा है वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अपग्रेड है, हालांकि कुछ ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैमरा का भी थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना अपग्रेड नहीं है कि आप अपने 10,000 रुपये खर्चें और Redmi Note 3 से Redmi Note 4 पे अपग्रेड करें। तो सिर्फ एक बैटरी लाइफ ही एक चीज़ है जो कि Redmi Note 4 को Redmi Note 3 से अच्छा बनाती है। तो अगर आप Redmi Note 3 की बैटरी लाइफ से परेशान हैं तब आप इस पर अपग्रेड करें, वरना इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरी तरह Redmi Note 5 के लिए ही वेट करें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको Redmi Note 4 पे अपग्रेड करने की। तो दोस्तों, यही थे मेरे कुछ ओपिनियंस Redmi Note 4 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आपके क्या ओपिनियंस हैं Redmi Note 4 के बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर से बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। जय हिंद।